अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन चंगेज़ी की रेसिपी। तो मैं आज आपको ये नहीं बताऊँगी ये रेसिपी हमारी कितनी टेस्टी बनती है। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे ना, आपको खुद ब खुद यकीन आ जाएगा कि कितना टेस्टी बनता है ये रेसिपी। और देखकर आपके मुँह में पानी ना आ गया ना, तो फिर कहना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए चिकन चंगेज़ी बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन चंगेज़ी बनाने के लिए सबसे पहले चिकन ले लेंगे हाफ के जी। इसको वॉश करके अच्छे से पानी निकाल लेंगे और इसमें डालेंगे 150 ग्राम दही और 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून और इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। आपके पास अगर नॉर्मल वाली मिर्च हो ना तो आप थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड कर दें। और नींबू का रस भी डाल दिया है मैंने, एक नींबू का रस लेकर डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। हो सके तो आप हाथों से मिक्स कर लें और इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। तो जब तक कि हमारा चिकन रेस्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पर एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाली हूँ और इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज को स्लाइस करके डाल देंगे और इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। यानी कि हमें बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं चेंज करना है। और इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें 6 से 7 काजू है तो उसको मैंने बीच से खोल लिया है इस तरह से, और काजू को भी डालकर देखिए हमारा प्याज जो बिल्कुल हल्का सा कलर चेंज हुआ है, बिल्कुल ही हल्का सा, यानी कि पिंकिश कलर हो गया ये। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। तो 2 मीडियम साइज़ का टमाटर है, बिल्कुल रेड वाला टमाटर ले आप, उसको बीच से इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में काट लें और उसको डाल देंगे। तो टमाटर को हमें ना हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है जिससे कि अच्छे से पीस जाए ये टमाटर। तो देखिए इसका स्किन जो है अभी अलग हो रहा है, तो टमाटर हमारा अच्छे से गल गया है। हो सके तो आप इसमें 1 पिंच नमक भी डालकर इसको गला सकते हैं, पानी वगैरह नहीं डालना है। तो अभी टमाटर गल गया, मैंने इसको साइड में रख लिया है। और यहाँ पर एक पैन ले लेंगे। ये पैन में मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच तेल। तो अभी इसमें हमें चिकन को फ्राई करना है। तो जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था, जब आधा घंटा हो जाए तो हम इसको फ्राई कर लेंगे चिकन को इसमें डालकर। और ये मसाला जो है इसको मैं साइड में रख रही हूँ, जो हमारा दही बच गया था ना चिकन का, उसको हम साइड में रख लेंगे। जब हम ग्रेवी बनाएंगे उस वक्त हम उसको डालकर पका लेंगे। तभी चिकन हमारा देखिए अच्छी तरीके से पक रहा है। तो ये हमारा मसाला जो है कांदा और टमाटर का, इसको हम पीस लेंगे। तो ठंडा होने के बाद आप इसको पीस लें इस तरीके से। तो अभी चिकन देखिए हमारा जो पक रहा है, लेकिन मैं इसको अभी अलग जगह पर शिफ्ट कर रही हूँ, अलग चूल्हे पर। और यहाँ पर मैं दूसरा कढ़ाई ले रही हूँ जिसमें हमने टमाटर और प्याज को फ्राई किया था। अगर आपको बर्तन ज़्यादा गंदा हो जाए तो आप दूसरा बर्तन ले लें। तब ये तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा। 2 टेबल स्पून मैंने तेल डाल दिया था इसमें। तेल अच्छे से जब गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसका कच्चापन निकलने तक हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। तब देखिए हमारा अदरक लहसुन जो है अच्छी तरीके से पक गया है, इसका स्मेल भी ख़त्म हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1.5 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें, 1 छोटी चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 छोटी चम्मच इसमें गरम मसाला डालेंगे। तो ये होममेड गरम मसाला है। इन सभी को डालकर अच्छी तरीके से भून लेंगे। अगर आपका मसाला ज़्यादा बर्तन में चिपक रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को अच्छी तरीके से भून सकते हैं। तो नमक भी डाल लेंगे टेस्ट के हिसाब से। तो अब देखिए मैंने जो टमाटर और प्याज का जो पेस्ट बना कर रखी थी उसको डाल देंगे इसके अंदर और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो हमारे जो मिक्सर जार में थोड़ा बहुत मसाला लगा होता है ना, उसको वेस्ट नहीं करना, थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से हिलाकर उसको भी डाल लेंगे इसमें और सभी मसाले को अच्छी तरीके से पका लेंगे। तो जब तक हमारा मसाला पक रहा है, देखिए हमारा जो चिकन है एक तरफ से अच्छे से कलर आ गया है, इसको पलट कर दूसरी तरफ से भी पका लेते हैं। तो देखिए बहुत अच्छा सुनहरा सा कलर आया हमारे चिकन में। तो इसी तरह से हम दूसरी तरफ से भी पका लेंगे इसको। तो चलिए अब मसाले की तरफ आते हैं। तब देखिए हमारा मसाला जो है पक रहा है, इसका बस तेल सेपरेट होने तक हमें पका लेना है। तो ये देखिए स्टार्टिंग में मैंने जो चिकन को फ्राई करने के लिए रखी थी उसका दही बच गया था कटोरे में, तो मैं उसको भी डाल दे रही हूँ उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला करके। तो अभी सभी मसाले को अच्छी तरीके से भून लेना है हमें। तो मसाले को आप जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा कलर आएगा। तो देखिए तेल इसमें अलग हो गया है, तेल सेपरेट हो गया है, हमारा मसाला अच्छी तरीके से पक गया है। अब यहाँ पर डालेंगे 1/4 कप दूध, ये उबला हुआ दूध है।
दूध डाल देने से ना बहुत अच्छा टेस्ट और एक रिचनेस आ जाता है चिकन चंगेजी की रेसिपी में। तो दूध आप ज़रूर से डालें और दूध डालते वक्त आँच को स्लो रखें। तो अब देखिए दूध को डालने के बाद में एक उबाल आ गया था। अब मैं यहाँ पर इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ, जो चिकन हमने फ्राई करके रखा था। चिकन को डालकर हम 2 से 3 मिनट इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी। अभी चिकन को जो हम गलने के लिए छोड़ देंगे। तो चिकन फ्राई करते वक्त आधा गल चुका था 50%, अभी जो बाकी है हम इसको अभी गला लेंगे। तो इसको ढक्कन लगा लेंगे और जितने देर में भी गले हमारा चिकन, तो मैं इसको 10 मिनट के लिए रख रही हूँ। तो देखिए अभी 10 मिनट हो गया हमारा। तो इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और देखिए इसमें तेल किस तरह से सेपरेट हो रहा है ऊपर से। तो अभी चिकन को भी चेक कर लेते हैं हम कि चिकन हमारा गला है या नहीं। तो चिकन हमारा बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया, बस हल्का सा टच करने से ही अच्छी तरीके से टूट गया है। तो अभी देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी, तो ये 1 चम्मच डाल लेंगे। इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था और हाथों से क्रश करके डाल लेंगे इसके अंदर। बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, बिल्कुल फ्रेश हरा धनिया लेकर डाल लें इसमें बारीक काट कर। तो अभी इसके बीच में मैं एक कटोरी प्लेस कर रही हूँ। तो हमें इसमें थोड़ा सा चारकोल का स्मोक देना है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट आने के लिए। तो देखिए मैं कोयले को जलाकर इस कटोरी के अंदर रख दी हूँ और इसमें थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ मैं। तो आप चाहे तो घी या फिर ऑयल से भी इसको डाल सकते हैं इसके अंदर कोयले में। तो एक अच्छा सा धुआं आने के बाद हम इसमें ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाकर इसको 2 मिनट आने तक के इसमें रहने देंगे कटोरी को, जिससे कि इसका जो स्मोक है ना अच्छी तरीके से हमारे चिकन में अब्जॉर्ब हो जाए। तो अभी 2 मिनट होने के बाद में मैं ढक्कन हटा रही हूँ। तो गैस की फ्लेम को मैं बंद कर दी थी और देखिए हमारा जो है चिकन का बनकर तैयार है चिकन चंगेजी। तो एक बार जो हमने स्मोक दिया था इसमें, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सब में अच्छी तरीके से इसका स्मोक जो है अब्जॉर्ब हो जाए। तो अब ये चिकन चंगेजी बनकर तैयार हो गया। सबसे आखिर में हम इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे। तो मैं यहाँ पर फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ, आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप यहाँ पर दूध की जो ताज़ी वाली मलाई होती है ऊपर की, उसको आप निकाल कर फेंट कर अच्छी तरीके से डाल लें। तो देखिए हमारा शानदार मज़ेदार चिकन चंगेज़ी की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। आप इसको रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ, पराठे के साथ या फिर तंदूर वाली रोटी के साथ खाएं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगी आपको। तो देखकर आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, तो सोचते क्यों हैं, फटाफट से अपने घर पे इसको ट्राई करें और बनाने के बाद में अपना फीडबैक मुझसे शेयर करना ना भूलें। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की जो रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दिए, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और मेरी इस रेसिपी को बनाकर एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।